Oh.
ओम शांति, गुड इवनिंग। राज योगा मेडिटेशन के चौथे सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लाना है। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं, आजकल बहुत सारी समस्या इस दुनिया में नजर आ रही है। इस समस्या का निवारण करने के लिए और इस समस्या को फेस करने के लिए हमारी मन की शक्ति हमें बढ़ानी है, और इसीलिए हम ये मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक स्लाइड से। देखो, ये स्लाइड हमने पहले भी देखी हुई है, लेकिन आज फिर से एक बार देखेंगे कि ये जो स्लाइड है, हमने जाना है कि मुझे आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार है, और ये क्या है, आत्मा रूपी सीढ़ी पर हमारे सारे कर्म और संस्कार रिकॉर्ड हो गए हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। आप स्लाइड देख रहे हो, तो सबसे पहले ओरिजिनल लेयर है, अंदर से बाहर जाएंगे तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो सबसे अंदर जो ओरिजिनल लेयर है उसमें 7 गुण हैं। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है, अभी तक हमारे जितने भी जन्म हुए, हर जन्म में जो हमारे कर्म बने हैं, जो हमारे संस्कार बने हैं, उसका रिकॉर्डिंग जो ये सेकंड लेयर में है। थर्ड लेयर जो है वो हमारे माता पिता से आए संस्कार। फोर्थ जो है वो संघ का रंग से बने, और फिफ्थ जो है वो विल पावर की है। जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो इसमें क्या बदलाव आता है? तो नंबर 1, जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जिसमें सुख शांति आनंद शक्ति और प्रेम है, तो आजकल हम ये अनुभव नहीं करते। इसकी कमी हमें महसूस होती है। प्यार बोलो, शांति बोलो, शक्ति बोलो, आनंद, खुशी, ये सभी कम कम हो रहा है, ऐसे हमें लगने लगा है, और ये सभी हम बाहर ढूंढने लगे हैं। लेकिन ये सब कुछ कहाँ है? मुझे आत्मा के बहुत अंदर 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 के लेयर में है। तो ये महसूसता क्यों कम हो गई है? क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई है। वो चार्ज कैसे होंगे? ये 7 गुण जब इसमें भर जाएंगे तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएंगी, और हम महसूस करेंगे प्यार को, खुशी को, आनंद को, शांति को और शक्ति को, जिसके लिए हम ये सारा बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएंगी तो ये सारे गुण, शक्ति, शांति वगैरह हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगी। तो आत्मा रूपी बैटरी क्या आप चार्ज करना चाहते हो? सभी तो हाँ कह रहे हैं, है ना? हाँ, तो आत्मा रूपी बैटरी हम सभी चार्ज करना चाहते हैं। ओके, ये डिसीजन फाइनल हो गया। अभी दूसरी लेयर की तरफ मुड़ते हैं। ये जो दूसरा लेयर है ना, इसमें आज तक हमारे जितने भी जन्म हुए, वो सारे जन्म में जो हमने कर्म किए, जो संस्कार बने, उसका सारा का सारा रिकॉर्डिंग इस लेयर में है। और उसके कारण क्या होता है? ये जो
पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार वर्तमान समय में हमारे सामने प्रकट होते हैं। कैसा? अगर हमने पहले और अभी भी सत्कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, तो वो भाग्य के रूप में हमारे जीवन में आएगा। अगर गलती से पहले जन्म में या इस जन्म में हमारे हाथ से गलतियां हो गई है, हमने किसी को दुख दिया है, दर्द दिया है, तो हमारे सामने वो दुर्भाग्य के रूप में आएगा, ठीक है ना। तो वर्तमान समय जो परिस्थिति हम सबके जीवन में है, मेरे आपके सबके जीवन में कुछ ना कुछ बिगड़ी हुई परिस्थिति दिख रही है। यानी एक कोरोना की महामारी तो पूरे विश्व की समस्या हो गई है, और छोटी मोटी बीमारी की समस्या है, रिश्तों के प्रॉब्लम की समस्या है, आर्थिक प्रॉब्लम की समस्या है, टेंशन वाली समस्या है, झगड़े वाली समस्या है, एक न अनेक बहुत सारी समस्या हर एक के जीवन में आज दिखाई दे रही है। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो पूर्व कर्म है, हमारा जो पूर्व जन्म है और अभी के जन्म में मिला मिलाकर जो हमने कर्म किया, वो दुर्भाग्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अच्छी बातें की तो सौभाग्य के रूप में आएगा, अगर गलतियां हो गई तो दुर्भाग्य के रूप में आएगा। तो जो सौभाग्य हमें मिलता है, जो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आती है, तो उसके लिए हमारी कोई तकरार नहीं होती। लेकिन जो समस्या के रूप में आती है, प्रॉब्लम के रूप में आती है, तब हमें बहुत बुरा लगता है। और मेजॉरिटी दुनिया में मेजॉरिटी व्यक्तियों के जीवन में समस्या ही ज्यादा है। तो समस्या आने का कारण अभी हमें पक्का समझा, क्या समझा है कि आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो रिकॉर्डिंग हो गया है कर्मों का और संस्कारों का, उसका रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम के रूप में, समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। तो जो कर्म सही नहीं है, जो कर्म गलत है, इसको हम वी कर्म कहते हैं। तो ये वी कर्म का बोझा आत्मा रूपी सीढ़ी पर है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, पहले तो डिसाइड करें डिलीट करना चाहते हो क्या। अगर ये वी कर्म अगर हम डिलीट कर सके, अगर इसको नष्ट कर सके, अगर इसको धो सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध, हमारा नसीब खुल जाएगा और हमारी समस्याएं कम हो जाएंगी। क्या आप ये करना चाहते हो? करना चाहते हो कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या कम करना चाहते हो? हाँ, देखो सभी बोल रहे हैं हाँ। यानी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज भी करना चाहते हैं, और जो गलती से गलतियां हो गई उसको सुधारने के लिए उसको सुधारना भी चाहते हैं, और जो ऑलरेडी गलतियां हो गई है उसको डिलीट भी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन आत्मा रूपी सीडी पर जो गलत रिकॉर्डिंग, गलत कर्मों का रिकॉर्डिंग हो गया है, उसको डिलीट करने का एक ही माध्यम है, और वो है परमात्मा की एनर्जी। केवल और केवल इस पूरे विश्व में कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं बना, कोई ऐसा साबुन नहीं बना, कोई ऐसा क्या बोलते वो अलग अलग पाउडर्स होती है ना, ऐसे कुछ नहीं बना जिसके कारण आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो हमारे गलत कर्मों का रिकॉर्डिंग हो गया उसको धो सके, पाप को नष्ट कर सके, पाप कटेश्वर ये जो फंक्शन है वो अप्लाई कर सके। ऐसे विश्व में केवल और केवल परमात्मा की एनर्जी ही कर सकती है। और दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज भी केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। वही सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे। तो हम ये दोनों ही बातें चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नलिफाई होना, डिलीट होना, उसके लिए जो गलती से गलत कर्म हो गए हैं उसको भस्म करना, वो भी केवल परमात्मा की ही एनर्जी कर सकती है, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो अभी ये जो स्लाइड आप देख रहे हो उसके बाजू वाले इसमें देखो कि ऊपर सूरज है, नीचे कागज है,
है ना, और बीच में जैसे सूरज की किरणें कागज पर गिरती है, नॉर्मल गिरती है तो कागज केवल गर्म हो सकता है, पेपर केवल गर्म हो सकता है, लेकिन जब उसके बीच में लेंस पकड़ी जाती है तो वो कागज जलने लगता है, भस्म होने लगता है। ऐसा ही सूरज रूपी परमात्मा अभी इस विश्व में है, और जब हम मेडिटेशन का लेंस लगाते हैं तो हमारे जो विकर्म है, आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो गलतियां हमारी रिकॉर्ड हो गई है, वो भस्म करने का एक ही एक माध्यम है, वो है परमात्मा की एनर्जी। यानी परमात्मा की एनर्जी मुख्यतः दो काम करती है। नंबर वन, आत्मा रूपी सीढ़ी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्यार आने लगता है। और दूसरा, जो गलती से गलत कर्म हमारा हो गया, जो आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड हो गया, उसको, उस भी कर्म को भस्म करने का काम परमात्मा की एनर्जी करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर ये दो बातें हमारे जीवन में हो जाए तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा, भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। क्या आप ये चाहते हो? जी हाँ, सभी चाहते हैं कि हमारा भाग्य का सितारा चमके। तो उसके लिए, परमात्मा की एनर्जी प्राप्त करने के लिए, पहले हमें परमात्मा का यथार्थ परिचय लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम परमात्मा का यथार्थ परिचय लेते हैं, हाँ, यथार्थ परिचय लेते हैं, बाद में स्लाइड शो देखेंगे, ठीक है ना। तो परमात्मा यानी शब्द ही देखो कि परमात्मा यानी मैं आत्मा हूं, और परम आत्मा यानी पूज्य, परम आत्मा यानी सर्वोच्च पवित्र रहने वाली आत्मा। तो ये परमात्मा की पहचान, परमात्मा की, जैसे हमने खुद की पहचान पाई ना, पहले तो हम खुद को शरीर ही समझ रहे थे, लेकिन जब सत्य ईश्वरी ज्ञान मिला, स्पिरिचुअल साइंस समझा, साइंटिफिक साइंस समझा, और हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, तब हमें महसूसता हुई कि नहीं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। ऐसे ही हम परमात्मा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, ऐसे अलग अलग नामों से उसको, उस उच्च स्थिति, उच्च परम आत्मा को जानते हैं, लेकिन इनको समझने में नहीं, इनका जो यथार्थ परिचय है, ये यथार्थ परिचय से हम वंचित हैं। तो उनका यथार्थ परिचय लेने के लिए कुछ कसौटियां है, तो कुछ कुछ बातें हमें लिख के लेनी चाहिए, आप डायरी में नोट करते जाना। जो परमात्मा है वो कैसे है? नंबर वन, वो सर्वोच्च है। नंबर टू, वो सर्वश्रेष्ठ है। नंबर तीन, वो सर्वपरे है। नंबर चार, वो सर्वज्ञ है। नंबर पांच, वो सर्वशक्तिवान है। नंबर छह, वो सदैव दाता है। और नंबर सात, वो सर्वधर्म मान्य है। ये सातों कसौटी जिसमें फुलफिल होंगी वो परम आत्मा। तो पहले हम जानेंगे कि परमात्मा सर्वोच्च कैसे है। हम जानेंगे कि परमात्मा रहते कहाँ है। तो परमात्मा परम धाम निवासी है। यानी पहले क्लास में हमने जाना था कि तीन लोग हैं, ऊपर, सबसे ऊपर परम धाम, बीच में सूक्ष्म वतन, और नीचे स्थूल वतन। और परमात्मा सबसे ऊपर परम धाम में विराजमान होते हैं, वो परम धाम के निवासी है। हमने पहले ये भी देखा था कि परम धाम ये लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है, वहां पर 100% स्वतंत्रता है, 100% पवित्रता है, ये भी हमने जाना था। और ये भी जाना था कि परमात्मा सबसे ऊपर है और नीचे कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष कैसा है? तो उल्टा वृक्ष है वो, और उसके ऊपर परमात्मा है। तो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा से ऊंचा इस पूरे तीनों लोगों में कोई भी नहीं। इसीलिए परमात्मा कैसे सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ माने क्या?
कि सबसे श्रेष्ठ है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, अलग अलग रूप में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। फिर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने क्या, कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत तीनों भी काल का नॉलेज, ज्ञान परमात्मा को है, क्योंकि ये सृष्टि की निर्मिति, ये सृष्टि का क्रिएशन स्वयं परमात्मा ने किया है, इसीलिए उनको पता है कि सृष्टि का शुरुआत कैसी हो गई, उसका मध्य कैसा है और वो लास्ट अंत समय वो कैसा होता है। तो ये सारा ज्ञान परमात्मा को है, इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है। फिर सर्व परे, परमात्मा सारे चक्र चक्र से परे है, यानी जन्म मृत्यु से भी वो परे है, कर्म फल से भी वो परे है, तो ये कौन से भी चक्र में वो आते नहीं। अभी जब उनका जन्म ही नहीं होता तो उनकी मृत्यु होने का सवाल ही नहीं आता। तो परमात्मा अवतरित होते हैं, वो परमधाम निवासी है, और जब जब इस विश्व में धर्म को अतिग्लानी आती है तब तब परमात्मा अपने वादे के अनुसार परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जन्म नहीं लेते, कोई भी माता के गर्भ में नहीं जाते, कोई भी शरीर धारण नहीं करते, लेकिन शरीर में अवतरित होते हैं, वो भी बूढ़े तन के शरीर में अवतरित होते हैं। तो ये जो हमने सुना है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी धर्म को जब जब अतिग्लानी आती है, परमात्मा स्वयं अवतरित होकर जो निगेटिव एनर्जी यानी कलयुग का नाश करते हैं और सतयुग की स्थापना करते हैं, यानी ये जो महापरिवर्तन है वो करने वाले स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा जन्म नहीं लेते, इसलिए मृत्यु नहीं है, तो वो अवतरित होते हैं। इतना समझा, वो क्या है, सर्व परे है। फिर परमात्मा सर्वशक्तिवान है। परमात्मा सबसे शक्तिवान है, सारे विश्व में, सारे सृष्टि में, तीनों लोगों में सबसे ज्यादा शक्तिवान कौन है, तो परम पिता परमात्मा शक्तिवान है। तो उनके पास कि सारे गुणों में श्रेष्ठ, सारी शक्तियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी वो सागर है। जैसे हमने देखा कि मैं आत्मा सात गुणों का स्वरूप हूं, तो परमात्मा यही सात गुणों का सागर है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है और शांति का सागर है। सारी शक्तियों का, सारे गुणों का, सारे शांति का सागर स्वयं परमपिता है और सर्वशक्तिवान परमात्मा है। और परमात्मा सदैव दाता है, सदा देने वाला है, कभी मांगने वाला नहीं। हम ही ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे बेटे को ना पास करना एग्जाम में, मैं ना कितना 1.25 किलो पेड़े वगैरह बांटूंगी, ऐसे कौन बोलता है। हम ही बोलते हैं ना, कभी भगवान ने बोला है क्या, नहीं, तो हम ही बोलते हैं ऐसा। तो एक्चुअली परमात्मा सदैव दाता है। और दूसरा कि परमात्मा सर्व धर्म मान्य है। विश्व में जितने भी धर्म है सबने परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को मान्यता दी। अभी परमात्मा दिखते कैसे है, यानी मैं आत्मा कैसे दिखती हूँ, हमने ये जाना, मैं आत्मा जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, जगमग करता दिव्य सितारा हूँ, है ना। तो परमात्मा कैसे दिखते हैं, परमात्मा भी जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। लेकिन परमात्मा और आत्मा में क्या चेंज है, तो परमात्मा के बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, सिंधु यानी सागर, और मैं आत्मा केवल बिंदु हूं, और परमात्मा के बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, ये बदल। और ये जो जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, यानी लाइट का अति उच्च, अति श्रेष्ठ, अति तेजोमय ये पॉइंट है, ये इतना चमकीला, इतना तेजोमय कि जिसकी आभा तीनों लोगों में फैलती है।
परम धाम से जो निकलती आभा परम धाम में तो आती है, सूक्ष्म वतन में भी आती और स्थूल वतन में भी आती है, इतना तेजोमय परमात्मा है। तो परमात्मा दिखाई कैसे देते हैं? जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जैसे मैं आत्मा देखती हूं। तो ये जो स्वरूप है परमात्मा का, इसको सारे धर्मों ने मान्यता दी है, सारे के सारे धर्मों ने इसको मान्यता दी है। दूसरा, परमात्मा स्वयं अवतरित होकर खुद का परिचय देते हैं, नहीं तो परमात्मा का परिचय कौन देगा? यानी हमने जो सुना है कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि धर्म को जब जब अतिग्लानी आती है, परम पिता परमात्मा बूढ़े तन का आधार लेकर अवतरित होते हैं, बूढ़े तन में उनके आधार लेकर सत्य ईश्वरी ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, और फिर ये सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, महापरिवर्तन करते हैं, निगेटिव दुनिया को पॉजिटिव दुनिया में चेंज करते हैं, और कलयुग को सत्ययुग में चेंज करते हैं, सत्ययुग की स्थापना करते हैं। तो ये जो परमात्मा की कर्तव्य है, तो परमात्मा को पाप कटेश्वर भी कहा है, जैसे वो विकर्म विनाश करते हैं। और परमात्मा को, परमात्मा जो है वो स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं, और शंकर द्वारा निगेटिव एनर्जी को समाप्त करते हैं। तो परमात्मा के कर्तव्य इस प्रकार से है। और परमात्मा जो दिखाई देते हैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, इसको सारे धर्मों ने मान्यता दी हुई है। वो कैसे, वो हम स्लाइड शो से जानेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि परमात्मा, और परमात्मा स्वयं आकर जो खुद का परिचय बताते हैं, वो कहते हैं कि उनका नाम जो है वो शिव है, शिव है। शिव का मतलब क्या है? शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी कल्याणकारी। और परमात्मा सदैव कल्याणकारी है, सदैव सबका कल्याण करने वाले हैं। और शिव यानी बिंदु भी है, ज्योतिर्बिंदु। ये शिव का मतलब ज्योतिर्बिंदु भी है, शिव का मतलब कल्याणकारी भी है। और दूसरी बात कि परमात्मा परम पिता बनकर हमें प्यार देते हैं, परमात्मा परम शिक्षक बन सत्येश्वरी ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, और परमात्मा सद्गुरु बन सद्गति भी देते हैं, वरदानों से हमें भरपूर भी करते हैं। तो अभी हम स्लाइड शो के माध्यम से इसकी अधिक जानकारी लेंगे। आपके सामने स्लाइड है कि आज हम क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि आज के चौथे दिन में हम परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय और राजयोगा मेडिटेशन की विधि, सिद्धि और प्राप्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। परमात्मा का परिचय, खुद खुदा ने आकर खुद का परिचय दिया है। और परमात्मा का जो स्वरूप है आप देख रहे हो, है ना, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश स्वरूप। आगे बढ़ते, परमात्मा का परिचय खुद परमात्मा ने जो दिया है, उनका नाम परमात्मा भगवान शिव। पत्ता जो है ना, एड्रेस परम धाम। वो क्या करते, विकर्म विनाश करते हैं, पतित पावन है, स्थापना पालना और विनाश करते, इसलिए गॉड कहा गया ना, जनरेटर ऑपरेटर और निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने वाले। वो परम पिता बनकर प्यार करते हैं, परम शिक्षक बनकर ज्ञान देते हैं, और सदगुरु बन आशीर्वाद देते हैं, सदगति देते हैं। फिर परमात्मा को पहचानने की जो कसौटियां है वो हमने अभी जानी, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सर्वपरि सर्वधर्म मान्य सर्वशक्तिमान और सर्व गुणों के सागर। आगे बढ़ते हैं, अभी सर्वोच्च की क्या परिभाषा है या बाकी सबकी क्या परिभाषा है वो अभी अभी हमने जानी है। आगे बढ़ेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, इसके बारे में भी अभी हमने चिंतन किया है। अभी ये तीन लोगों का पिक्चर आपके सामने है, ऊपर परम धाम, बीच में सूक्ष्म वतन, नीचे स्थूल वतन।
आगे बढ़ते हैं। ये जो है परम धाम, परम धाम में सबसे ऊपर सबसे तेजो में कौन दिख रहे हैं? परम पिता परमात्मा। नीचे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष में बिंदु बिंदु स्वरूप में हम सारी आत्माएं स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे, परमात्मा का महावाक्य क्या है? देह देह के सारे संबंध और देह के पदार्थ भूल, खुद को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होना यानी निगेटिव फाइल डिलीट होना है। आगे बढ़ेंगे, सर्व आत्माओं के पिता कौन है? परम पिता। इसकी अधिक जानकारी के लिए अगले स्लाइड पर जाएंगे। हमें पता है कि सोमनाथ बोलो, अमरनाथ बोलो या रामेश्वर बोलो, इन सब ने ये ज्योतिर्लिंग की पूजा हो रही है। तो ये ज्योतिर्लिंग क्या है? ये ज्योतिर्लिंग परमपिता परमात्मा का शेप यानी आकार, जैसे परमात्मा जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, तो ऐसे पॉइंट को लेकर कुछ पूजा अर्चना नहीं हो सकती, फूल पान अर्पण नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा एक शेप बनाया है। तो ज्योतिर्लिंगम, लिंगम यानी शेप आकार, और ज्योतिर्लिंगम यानी ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप, ऐसे रूप में यानी परमात्मा की पूजा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, पशुपति पतिनाथ जो है मंदिर नेपाल में, वहां भी ज्योतिर्लिंग पाया गया है। आगे बढ़ेंगे, गॉड इज लाइट यानी हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन है वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप को ही परमात्मा की मान्यता देते हैं और चर्च में कैंडल जलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, जापान में भी ऐसा एक स्टैचू बनाया गया है और उस पर ध्यान मेडिटेशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो भी कहते हैं अल्लाह नूर है, नूर यानी प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, एक ओंकार निराकार, ये भी निराकार अवस्था यानी परमात्मा को कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, एक्चुअली वो निराकार है। आगे बढ़ेंगे, तो यही जो बातें अभी हमने जानी कि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना और विकर्म विनाश करना, ये सारी बातें परमात्मा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, परमात्मा को जब याद करते हैं ना तो वो प्यार से करना चाहिए या संबंधों से करना चाहिए, डर से नहीं करना चाहिए या दुख से नहीं करना चाहिए या लोभ से नहीं करना चाहिए। यानी कभी हम डर जाते हैं तो भगवान की हमें याद आती, रोना आता है, दुख होता है, फिर भी परमात्मा की याद आती है, और कोई लोभ से कि नहीं मुझे लॉटरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ऐसे लोभ से भी हम परमात्मा को याद करते हैं। एक्चुअली ये यथार्थ उनकी याद नहीं है। जब हम प्यार से उनको याद करते हैं या संबंधों से याद करते हैं उससे हमें लाभ मिलता है। और परमात्मा GPS भी है, जैसे देखो कोई गाड़ी को GPS लगाते हैं ना तो गाड़ी सही दिशा में जाती है और हमारे मंजिल पर कम समय में फास्ट जाकर पहुंच जाती है। ऐसे परमात्मा भी हमारे GPS है, तो वो हमें सही समय पर सही डायरेक्शन देकर मंजिल पर पहुंचा देते हैं। तो जी फॉर ज्ञान, पी फॉर प्रेम पवित्रता और एस फॉर सुख शांति और शक्ति। देखो देवी देवता अलग है और परमात्मा अलग है। देवी देवता मंदिरों में पाए जाते हैं वो अलग, और परमात्मा अलग है। तो जैसे हम सुनते आए कि 33 कोटि देवी देवता है, और जैसे कभी हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते, ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा करते, असुरों को नष्ट करने के लिए दुर्गा माता की पूजा करते, कभी कभी हम जैसे वार होते सोमवार मंगलवार गुरुवार तभी भी अलग अलग पूजा करते रहते हैं कि सोमवार के दिन महादेव की करेंगे, मंगलवार के दिन देवी की करेंगे वगैरह वगैरह। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो हाथी और अंध जैसे होते ना, अगर अंध व्यक्ति हाथी को हाथ लगाए और उनके हाथ में पाव आया तो वो क्या कहेंगे कि हाथी खंभे जैसा है। अगर उसकी पूछ आई तो वो क्या कहते हैं कि हाथी सांप जैसा है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो हाथी हाथी है, जैसा वैसे ही परमात्मा परम आत्मा है।
जिसको जैसा एक्सपीरियंस आता है वो उसके मुताबिक उसको कहते जाता है। एक्चुअली देवी देवता यानी परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है, परमात्मा देहधारी नहीं है, देवी देवता देहधारी है। जैसे परमात्मा कभी जन्म ही नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं, और देवी देवताओं सबका ही जन्म कहा गया है। तो परमात्मा ये जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है और अवतरित होते हैं, परमात्मा देहधारी नहीं है, अंडरलाइन करा लो, और देवी देवता देहधारी है। तो जब भी याद करना है तो परमात्मा को याद करना है, देवी देवताओं को हम जब भी याद करते पूजा करते हैं तो हमारा भक्ति का भाड़ा भी देवी देवता द्वारा देने वाले स्वयं परमात्मा ही है। ये भी रहस्य हम जान लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब भी हम किसी को याद करते हैं तो उसके सिद्धांत क्या है, जिसको हम याद करते हैं उसके मनस्थिति का डाटा हमारे मन पर डाउनलोड होता है। अभी इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, जो व्यक्ति है ज्यादातर उलझन में रहते हैं, उनकी मनस्थिति डिस्चार्ज हुई रहती है, कभी कभी दुख में भी ज्यादा रहते हैं, तो उनको हम याद करेंगे तो उनका जो दुखी उलझन वाली जो मनस्थिति है वो डाटा मेरे मन पर डाउनलोड हो जाएगा, तो मेरा फायदा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं परमात्मा को याद करूं जो सदा ही सर्वशक्तिवान है, सदा ही सारे गुणों के सागर है, तो अपने आप ही उनका अगर डाटा मेरे मन पर डाउनलोड हुआ तो मुझे लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये याद का एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ऐसा है कि जिस कॉन्शियसनेस में हम रहकर याद करते हैं उसके रिलेटेड बातें हमें याद आती है। जैसे जब मैं खुद को समझती हूँ डॉक्टर, तो मुझे कौन याद आएगा, पेशेंट। अगर मैंने खुद को माँ समझा तो कौन याद आएंगे, बच्चे। अगर मैंने खुद को गुरु समझा तो कौन याद आएंगे, शिष्य। अगर मैंने खुद को शिक्षक समझा तो कौन याद आएंगे, स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं खुद को आत्मा समझती हूँ तो अपने आप ही परमात्मा मुझे याद आएगा। इसीलिए सोल कॉन्शियस होना बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी परमात्मा हमें याद आते हैं। परमात्मा का जो अस्तित्व है उसका अनुभव कैसा लेना है, जैसे वाईफाई का एक पासवर्ड होता है, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी ट्यूनअप करना पड़ता है, ईमेल का भी पासवर्ड होना आवश्यक होता है, ऐसा ही आत्मा बन जब परमात्मा का अस्तित्व महसूस करते हैं तो हमें परमात्मा की अनुभूति आती है, अनुभव आने लगता है। तो वैसे ही जैसे वाईफाई का पासवर्ड, वैसा परमात्मा को प्राप्त करने का पासवर्ड है आत्मा, आत्म अभिमानी बनना यानी सोल कॉन्शियस बनना है। तो परमात्मा और आत्मा ये कैसा है, संतान और पिता दोनों का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, दोनों का भी परमानेंट एड्रेस परमधाम है, और आत्मा सारे गुणों का स्वरूप है और परमात्मा उसका सागर है, और दोनों ही अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा पिता होने के नाते परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी वंश परंपरा से मुझ आत्मा को प्राप्त होंगी, लेकिन कब, जब मैं सोल कॉन्शियस बनूंगी, आत्मा बन कार्य करूंगी तब। आगे बढ़ेंगे। जीओडी यानी जनरेटर, ऑपरेटर और निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने वाले, ये है गॉड, है ना। तो हमने स्लाइड शो के माध्यम से भी जाना कि परम आत्मा यानी गॉड, या इनका यथार्थ परिचय, इनका सत्य परिचय हमने जाना। अभी इसी का ही एक छोटा सा वीडियो अभी हम देखेंगे और उसके ऊपर फिर एक छोटा मेडिटेशन भी करेंगे।
तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, यहोवा, अल्लाह, शिव, शमताई, तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई, मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं, मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे, फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। और रहस्य को बतलाने के लिए मैं पुनः अवतरित हुआ हूं, तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद करो। ओम शांति। इसी के ऊपर एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, स्टार्ट करेंगे। पानी लेकर तो बैठे ही होंगे, सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा है।
परमात्मा परम धाम निवासी है। जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, सतयुग की स्थापना करने वाले, निगेटिव एनर्जी को समाप्त करने वाले परमात्मा, जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, सर्वपरे है, सर्वधर्म मान्य है, सर्वशक्तिवान है और सदैव दाता है। परमात्मा निराकार है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, सारे गुणों में, सारी शक्तियों में सागर है। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा।
ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भव सागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार परम पिता परमात्मा। ओम शांति 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 ओम शांति। आगे बढ़ेंगे। हमने जाना परमात्मा का यथार्थ परिचय, हमने इसका वीडियो भी देखा, उसके ऊपर छोटा सा मेडिटेशन भी किया। तो परमात्मा का यथार्थ परिचय हमने जाना, अभी परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसा जोड़ना है इसका ज्ञान अभी हम लेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो आत्मा बन परमात्मा से मिलन मनाना, इसको ही राज योगा मेडिटेशन कहा गया है। तो अभी गए, आज का चौथा दिन है। तो पूरे चार दिन हमने क्या सीखा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अभी हम जानेंगे कि आत्मा बन परमात्मा से कनेक्शन कैसा जोड़ना है, क्योंकि जब तक कनेक्शन जोड़ते नहीं है, जब तक मिलन होता नहीं है, तब तक विकर्म विनाश भी नहीं होंगे और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज भी नहीं होंगे। तो राजयोगा मेडिटेशन के कुछ डेफिनेशन है, आप लिख लेना। नंबर वन, आत्मा बन परमात्मा से मिलन मनाना। नंबर टू, मीटिंग विथ गॉड। और नंबर थ्री, आत्मा बन परमात्मा से गप्पे लड़ाना। आसान है ना डेफिनेशन? डेफिनेशन बहुत आसान है और मेथड भी बहुत आसान है, वो भी हम सीखेंगे ना, एकदम से उसमें सहज हो जाएगा। तो विधि जानेंगे कि आत्मा बन परमात्मा से कैसा मिलन मनाना है। अभी मैं आत्मा तो यहां पर हूं, बुरुकुटी के मध्य, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में हूं, है ना। और परमात्मा कहाँ है? वो परम धाम में है ना। तो अभी मुझे आत्मा को परम धाम घर जाना है, वहां जाकर ही मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ, उनके साथ मिलन मना सकती हूँ। तो वहां जाना कैसा है ना, कैसे जा सकते? ये शरीर लेकर जा सकते है क्या? नहीं, क्योंकि परम धाम घर निराकारी दुनिया है, केवल आत्मा परमात्मा ही वहां रहते हैं। तो ये शरीर तो नहीं ले जा सकते है, फिर कैसे जाएंगे? तो कल हमने क्या सीखा था कि मैं आत्मा तीन एनर्जी से बनी हूं, कौन सा? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मुझे मन और बुद्धि के सहायता से परमधाम घर जाना है। अभी मन की प्रॉपर्टी हमने जानी कि मन सोच विचार करता है, संकल्प क्रिएट करता है, और बुद्धि परखती है, निर्णय करती है, और उसके साथ साथ जो बुद्धि है वो विजुअलाइजेशन भी करती है, यानी चित्र को भी निर्माण करती है। यानी मन क्या करेगा? संकल्प क्रिएट करेगा। और बुद्धि क्या करेगी? जो संकल्प है उसका ही चित्र निर्माण करेगी, यानी विजुअलाइजेशन करेंगे। और जो संस्कार है वो अनुभव देते हैं, तो वो फीलिंग देंगे। यानी ए वी एफ फॉर्मूला अपने आप कंप्लीट हो गया ना यहाँ। ए फॉर एटो सजेशन एफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन और एफ फॉर फीलिंग्स। तो संकल्प क्रिएट करना यानी एटो सजेशन या एफर्मेशन देना है ना। तो तीनों बातें यहां पर एक साथ होती है, तो इसको ही तो हम मेडिटेशन कहते हैं।
तो मन बुद्धि से मुझे परमधाम घर पहुंचना है। देखो हम व्यक्तियों को सबको एक आदत होती है कैसे मन से इधर उधर भागने की। हमारा मन ना बहुत भटकता है, जैसे अभी हम यहाँ भी बैठे भी हैं, है ना, तो भी हमारा मन शायद और किधर गया होगा, दोस्त के घर पर गया होगा, है ना, या कोई रिलेटिव के घर पर गया होगा, या तो कोई शॉप पर गया होगा, या तो कोई आइसक्रीम पार्लर में गया होगा, है ना। तो मन से हमारा शरीर यही रहता है, लेकिन मन सब तरफ से भटक के आता है, और जहां मन होता है बुद्धि उसके साथ जुड़ जाती है और सब तरफ जाकर आती है। यानी हमें मन और बुद्धि से इधर उधर जाने की प्रैक्टिस ऑलरेडी है, लेकिन मन और बुद्धि इधर उधर जाती है, लेकिन हमें अभी इस मन और बुद्धि को परमधाम घर लेकर जाना है। तो परमधाम घर कहाँ है? सबसे ऊपर है, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले जो मैं बॉडी कॉन्शियस हूं, तो वो बॉडी कॉन्शियस से पहले मुझे सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा, यानी पहले मुझे आत्मा बनना पड़ेगा। यानी इसके ना सेवन स्टेप से आप लिख सकते हो कि राज योगा मेडिटेशन के सात स्टेप से आप लिखिए। सबसे पहली है आत्मचिंतन, नंबर दो है यात्रा, नंबर तीन है परमात्म चिंतन, नंबर चार है परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। जैसे जोड़ेंगे परमात्मा के साथ कनेक्शन, तो दो बातें होंगी जो हमने सीखी है कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होंगी और विकर्म विनाश होंगे। ये होने के बाद मैं आत्मा परमात्मा से बातें करती हूं, है ना, मिलने के बाद बात तो करेंगे ना, तो बातें करती हूं, और जो मैं बात कर रही हूं उसको परमात्मा रिस्पांस देंगे। अगर कुछ मेरा सवाल होगा तो जवाब देंगे, अगर आप कुछ खुद की व्यथा बोलते हैं तो वो सुन के लेंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। और इसके अगली स्टेप है गहन मधुर शांति, यानी एक संतुष्टता, एक खुशी, एक शांति मैं महसूस करूंगी। ये लास्ट स्टेप है। तो ये सेवन स्टेप्स है। तो वन बाय वन एक एक स्टेप हम एक एक स्टेप के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है आत्मचिंतन, यानी मुझे आत्मा बन परमात्मा से बातें करनी है। शरीर बातें नहीं कर सकता, ये समझो आत्मा ही नहीं रही तो एक अकेला शरीर बात कर सकता है क्या? ये मुख रहकर भी हम बात नहीं कर सकते अगर आत्मा ही शरीर से निकल जाए तो, है ना। तो आत्मा बन हमें आगे जाना है। तो देखो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे दो वायर है, है ना, दो वायर है, तो ये दोनों वायर, एक वायर में से दूसरे वायर में अगर करंट पास करना है, अगर करंट पास करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, वायर के ऊपर का रबर पहले हटाना पड़ेगा, तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और एक का करंट दूसरे में चला जाएगा, है ना। तो ये जो रबर है तो वो देह भान का रबर है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस का रबर है कि मैं शरीर हूं, इस भान का और शरीर के संबंधों का ये रबर है, तो वो रबर हटाना है। परमात्मा तो ऑलरेडी निराकार है, उसको कोई देह नहीं, इसलिए वहां कोई रबर नहीं। तो रबर कहाँ है? मुझ में ही रबर है, देह भान का रबर है। तो इसीलिए मुझे आत्मचिंतन करना, यानी गए तीन चार दिन से जो हमने सीखा है कि मैं आत्मा हूं, झगमग करता दिव्य सितारा हूं, वगैरह वगैरह, जो अभी तक जानकारी ली है उसका चिंतन करना। दूसरा यात्रा, यात्रा कहाँ? यहां से यात्रा परमधाम घर तक। तो कैसे जाएंगे? तो पहले देह भान से परे आ जाएंगे, यानी इस देह भान से परे आ जाएंगे। मैं कैसी दिखती हूँ? जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, झगमग करता दिव्य सितारा। तो यहां से यहां आ गई, फिर सृष्टि को क्रॉस करते हुए, चांद तारों को क्रॉस करते हुए, आकाश को क्रॉस करते हुए, और ऊपर गई ऊपर गई, और फिर परमधाम घर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद क्या महसूस करूंगे? तो लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में महसूस करूंगी
क्योंकि वो दिख रही है ना, और उसके बाद में परमात्मा है ना, और वहां पर कल्पवृक्ष। तो मैं आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए ठेठ परमात्मा के पास जाकर पहुंचती हूँ और कल्पवृक्ष नीचे हो जाता है। तो मैं अपने आप ही कल्पवृक्ष के नीचे हो गई। तो एक कहावत तो हमने सुनी है ना कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा हम व्यक्त करते हैं वो क्या होती है, पूरी हो जाती है। तो हम भी मेडिटेशन में कल्प वृक्ष के नीचे परमात्मा के पास जाकर बैठते हैं तो विकर्म विनाश और बैटरी चार्ज होने के कारण जो हमें चाहिए सुख शांति आनंद वो हमें प्राप्त होने लगती है। तो मैं आत्मा कहाँ जाकर बैठी, परमात्मा के पास। इसके बाद ये हो गई यात्रा, यानी भुरकुटी से लेकर परमधाम घर तक परमात्मा के पास जाकर बैठना, यहां तक यात्रा हो गई। उसके बाद क्या है, परमात्मा चिंतन। आज के क्लास में जो परमात्मा का यथार्थ परिचय हमने जाना वो परमात्मा चिंतन। उसके बाद में परमात्मा दो बातें करते क्या, विकर्म विनाश और दूसरा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज। तो विकर्म विनाश करते माने क्या कि परमात्मा से निकलती हुई लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरसती है और जो सेकंड लेयर है उसमें जाकर जो विकर्म हुए उसको भस्म कर देती है। तो वो निगेटिव फाइल डिलीट हो जाती है और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती। चार्ज करती माने क्या, सात गुणों से शक्तियों से प्यार से वो भरती है हमके, तो फिर चार्ज हो जाएंगे। ये दो बातें होने के बाद मैं आत्मा परमात्मा से बातें करती हूं। तो बातें कैसे करें, कौन से लैंग्वेज में करें, अपनी मन की भाषा से परमात्मा से हम बातें कर सकते हैं, फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, और कौन सी भी भाषा हो, कौन सी भी भाषा में परमात्मा के साथ बातें कर सकते हैं, लेकिन केवल दिल से बातें करनी है। तो क्या बातें करें, तो बातें ये करनी है कि हमारे जीवन में जो मेरे मन पर बोझ है, टेंशन है, मेरी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो सब कुछ परमात्मा को मैं अर्पण करती हूँ कि परमात्मा देखो मैं छोटी थी 10 साल की तो ये हुआ, फिर ऐसी 20 साल की हो गई तो ये हुआ, शादी हुई तो ये हुआ, बच्चे हुए तो ये हुआ, जॉब करने लगी तो ये हुआ, जो जो कुछ हमारे जीवन में चलता है और जिसका जिसका हमें टेंशन आया है या जो जो भावनाओं को हमने मन में पकड़ के रखा है वो सब कुछ रिलीज करते हुए परमात्मा को बता देना। पहली बारी परमात्मा से बात कर रहे हैं ना, तो परमात्मा खुद बोलते हैं कि मुझे आपका बोझा दे दो और आप एकदम हल्के हो जाओ। तो वो बोल रहे तो हमें देना भी चाहिए ना। तो कभी कभी होता है ना कि जब हम परमात्मा से बातें करने लगते हैं ना तो सारी बातें हमें याद नहीं आती है। इसीलिए एक आइडिया है कि लेटर टू गॉड लिखना है, यानी बैठकर कागज पेन लेना है और पूरा लिखना है कि परमात्मा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मुझे इसका टेंशन आया, मुझे इसका दुख हुआ, ऐसा हुआ वैसा, पूरा के पूरा जितने पेजेस होते हैं ना 10, 12, 15 जो कुछ भी है वो सब परमात्मा को लेटर लिखना और परमात्मा को वो सारा टेंशन क्या है उनको दे देना। और एक बार उनको दे दिया तो वापिस नहीं लेना। ये हो गई परमात्मा के साथ, मुझे आत्मा ने परमात्मा के साथ बातें की, ठीक है ना, ये समझा ना। हाँ, तो लेटर टू गॉड रोज रात को लिखे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिन भर में जो भी टेंशन आता है सब इकट्ठा परमात्मा को दे देना, हल्के हो जाना। उसके बाद परमात्मा हमसे बातें करते हैं। अभी वो बातें कैसे करेंगे और हम समझेंगे कैसे, है ना, जो बातें यानी जो हमारे मन का बोझा है हमने परमात्मा को दे दिया, हमारी समस्या हमारी उलझन परमात्मा को हमने बोल दी। तो ये सभी हमारे सवालों का जवाब, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का टचिंग परमात्मा हमें करते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। तीन प्रकार से आप लिख सकते हो,
नंबर वन, हमारे ही ब्रेन में, हमारे ही मन में ऐसा एक सोच विचार दे देते हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, समझाना। लेकिन क्या होता है, वो तो हमें टचिंग दे रहे हैं, वो तो हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन दूसरे कार्य में उलझा हुआ होगा, एंगेज हुआ, तो फिर उनका मैसेज हम समझ नहीं पाएंगे, उनका टचिंग हम कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, मन को शांत करने की प्रैक्टिस करना है। यानी रोज अगर 3 बार हम मेडिटेशन करते हैं तो मन अपने आप स्लो डाउन होता है, शांत होता है, साइलेंस में होता है, तो परमात्मा की टचिंग हम कैच कर पाते हैं। देखो हम लौकिक में भी कैसा होता है, हम किसी को फोन करते हैं तो एंगेज आता है तो दोबारा थोड़ी समय से करते हैं, फिर से एंगेज आए तो समझो भाई चलो मेरा पेशेंस अच्छा है तो और एक बार मैं फोन कर लूं, लेकिन उसके बाद भी एंगेज आए तो हम नहीं करते, फिर नहीं करते ना। तो परमात्मा भी हमें टचिंग देते एक बार दो बार, लेकिन उनका जो टचिंग है हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन दूसरे व्यर्थ बातों में, निगेटिव बातों में एंगेज हो जाता है, तो उनका टचिंग हम कैच नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को स्लो डाउन करने के लिए रोज 3 बार मेडिटेशन करने की आदत हमें डालना चाहिए। नंबर 2, कोई भी जाना पहचाना व्यक्ति आकर हमारे सवाल का जवाब दे देता है, यानी परमात्मा उनके मुख का यूज कर हमारे सवालों का जवाब दे देते हैं। सामने वाले व्यक्ति उनको कुछ नहीं समझता, लेकिन हमको टचिंग होता, अरे मैंने ये पूछा था ना, इसका ये जवाब मिल गया। ऐसे हजारों व्यक्तियों का उदाहरण है। और तीसरी बात, मुरली के माध्यम से परमात्मा रोज ही हमारे सवाल का जवाब देते हैं। अभी ये मुरली क्या है, तो मुरली यानी परमपिता परमात्मा ने उच्चारण किए हुए महावाक्य है। अभी परमात्मा 1936 से अवतरित हुए हैं, आज तक उन्होंने जो जो महावाक्यों का उच्चारण किया है, लाखों करोड़ों अब्जो कोटि 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 कितने तो भी है, तो उस वो ईमेल के रूप में सबको जो जो सेंटर्स है वहां पर आता है। और वो जो मुरली है वो हम सुबह 6 बजे उसका सामूहिक पठन करते हैं, और उससे जो जो परमात्मा उसमें बहुत बहुत गुह्य राज समझाते हैं, परमात्मा आने वाले समय का इशारा भी देते हैं, परमात्मा हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सवाल का जवाब भी दे देते हैं। तो ये है मुरली। मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये मुरली क्लास ऑनलाइन होता है, लाइव होता है और फ्री होता है। इसीलिए ये कोर्स तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे हमारा वादा है कि कम से कम 2-3 महीने हमें ये मेडिटेशन ये जारी रखना है, तो हमें बदलाव पॉजिटिव परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगेगा, उसका एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो उसके लिए मुरली क्लास आप परसों से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कल और एक क्लास होगा, और परसों से आप सुबह 6 से 7 बजे तक मुरली क्लास होता है, ऑनलाइन यूट्यूब पर होता है, लाइव होता है और फ्री होता है। उसकी लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे रोज के रोज, तो वो क्लिक कर आप मुरली क्लास रोज अटेंड करना, रोज के हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो सॉल्व हो जाएंगे और उसका जवाब हमें मुरली से मिल जाएगा। तो परमात्मा से हमने बातें की, लेटर टू गॉड लिखा, और फिर परमात्मा ने भी हमारे सवाल का जवाब दिया। उसके बाद में बहुत ही गहरी स्वीट साइलेंस में हम चले जाते हैं। ये क्या है, स्टेप्स है मेडिटेशन के। अभी हम स्लाइड शो के माध्यम से इसकी अधिक जानकारी लेंगे। स्लाइड शो आप हमारे सामने है कि राजयोग का मेडिटेशन की विधि और इसके स्टेप्स, अभी हम इसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो अभी हमने अभी ली है। आगे बढ़ेंगे, राजयोग का मेडिटेशन है ना, एक पिक्चर अपने साथ में है, फिर और आगे बढ़ेंगे।
योग और याद क्या होती है इसकी जानकारी हमने पहले दिन ही ली है। फिर राजयोगा मेडिटेशन यानी राजा बनाने का मेडिटेशन है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ बनाने का मेडिटेशन है, ये भी हमने जाना। आगे बढ़ेंगे, राजयोगा मेडिटेशन यानी खुद से खुदा का कनेक्शन इज मेडिटेशन, ये भी हमने जाना। फिर ये भी जाना कि राजयोगा मेडिटेशन में आत्मा और परमात्मा में क्या क्या सिमिलैरिटी है। आगे बढ़ेंगे, मेडिटेशन को जब बैठते हैं ये सारी जानकारी पहले दिन ही ली है, सीधा होकर बैठना वगैरह वगैरह, ये तो हमने ले इंफॉर्मेशन ली है। फिर आगे बढ़ते हैं मन बुद्धि और अनुभूति है ना, ABF फॉर्मूला कैसा होता है ये भी हमने जाना। आगे बढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन का साइंस क्या होता है इसकी इसमें जानकारी दी है, और मेडिटेशन के सोच विचार कैसे होते हैं, वो सदा ही सत्य होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, शुभ होते हैं, समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ब्लिसफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं और पावरफुल होते हैं, और वो तथास्तु होते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, राजयोगा मेडिटेशन के लिए 5 बातें आवश्यक है, परिचय, संबंध, स्नेह, संवाद और प्राप्ति, और इसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। 7 स्टेप्स में हमने ये डिवाइड किया है, वो जो विधि के 7 स्टेप्स अभी अभी हमने लिख के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, परमात्मा का महावाक्य ये भी, इसकी भी जानकारी हमने अभी ली हुई है। आगे बढ़ते हैं, राजयोगा मेडिटेशन यानी बैटरी चार्ज करने का मेडिटेशन है, न कि हैंडसेट चार्ज करने का। आगे बढ़ेंगे, मेडिटेशन के जो इफेक्ट्स है इसके हमने जानकारी ली हुई है। अभी EEG जो ब्रेन का पैटर्न है तो उसके ऊपर भी बहुत ही डिवाइन और पॉजिटिव चेंजेस मेडिटेशन से होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी अभी हमने ये 5 लेयर भी जाने, और विकर्म विनाश कैसा होता है इसकी भी जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं, वाइब्रेशन जो हम देते हैं परमपिता परमात्मा से, जो वाइब्रेशन निकलती है वो मुझे आत्मा पर आती है, और हम किसी को भी वो दे सकते हैं, इसका टेक्निक कल ही हमने जाना है। फिर आगे बढ़ेंगे कि मेडिटेशन करते हैं तो अमृत वेले का जो समय है यानी पहट को 4 बजे का जो समय है वो कितना इम्पोर्टेंट है इसकी जानकारी स्लाइड में है। पहट को 4 बजे कॉर्टिसोन नाम का जो हार्मोन है वो ज्यादा प्रमाण में रोज ही रिलीज होता है। उसका असर क्या होता है, उसका डायरेक्ट असर हार्ट के ऊपर होता है और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 4 बजे उठकर अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कॉर्टिसोन रिलीज होता है नॉर्मली जो ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद कम मात्रा में होता है, और फिर हार्ट प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। लेकिन देखो आजकल हम पाते हैं कि हार्ट अटैक जब पहेट को आता है तो वो डायरेक्ट मृत्यु की तरफ लेकर जाता है, और फिर हम ऐसा सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं कि नींद में ही ये व्यक्ति चली गई, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो इसका कारण वैज्ञानिक बोलते हैं कि पहेट को 4 बजे जो हार्मोन ज्यादा प्रमाण में रिलीज होते हैं उसके कारण ये होता है। लेकिन उठकर अगर हम मेडिटेशन करें तो हार्मोन की मात्रा कम कर सकते हैं और हार्ट प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो अमृत वेला मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है अमृत वेले की, कि जैसे ये कॉर्टिसोन ज्यादा प्रमाण में रिलीज होता है वैसे पहेट को 4 बजे से 6 बजे तक 18 हार्मोन्स रिलीज होते, कितने 18 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इसका स्पेसिफिकेशन भी हमने दिया है, हाइपोथैलेमस से 9, पिट्यूटरी से 8 और पिनाइल से 1। लेकिन अगर हम 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं तो ये सारे ही हार्मोन्स योग्य मात्रा में रिलीज होते हैं और योग्य क्वालिटी में भी रिलीज होते हैं और बैलेंस होते हैं, जिसको हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो
तो वो हम अचीव कर पाते हैं, नहीं तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण कई कई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या तो फिर थायराइड है वगैरह वगैरह। तो इन सब से अगर हम राहत चाहते हैं तो सुबह 4 बजे का मेडिटेशन करना आवश्यक है। और एक खुशी की बात आपके साथ शेयर करेंगे कि 4 बजे का अमृत वेला मेडिटेशन भी हम ऑनलाइन करते हैं, लाइव करते हैं, तो आपको घर बैठे ये लाभ मिल सकता है। केवल यूट्यूब के लिंक पर क्लिक कर आप ज्वाइन हो सकते हैं और अमृत वेले का लाभ हम ले सकते हैं। तो हम रोज पहेट को 4 बजे से 4:45 बजे तक ये अमृत वेले की अमृत वेले का मेडिटेशन ऑनलाइन और लाइव करते हैं। तो इसकी भी लिंक आपको हम परसों से शेयर करेंगे और मुरली क्लास की भी आपको शेयर करेंगे। तो ये हमने जाना, क्या जाना कि राजयोग मेडिटेशन के 7 स्टेप्स क्या है और वो कैसे करना है, इसकी जानकारी हमने ली। अभी हम ये मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए विजुअलाइजेशन आवश्यक है, यानी जैसे ABF फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम आपको एक वीडियो बताएंगे, तो वीडियो देखते हुए हमें मेडिटेशन करना है। लेकिन उसके पहले और एक बात जानेंगे कि कभी कभी कैसा है कि मेडिटेशन करना एक बात होती है और मेडिटेशन लगना दूसरी बात होती है। तो जब जब बैठेंगे 100% मेडिटेशन लगेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन लगने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसकी जानकारी हम स्लाइड शो के माध्यम से लेंगे कि मेरा मेडिटेशन क्यों नहीं लगता बाबा, उसका कारण क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अभी रबर वाली बात मैंने आपको समझाई है, यानी दो रबर निकाले, वायर के दो रबर निकाले दोनों की तरफ से तो जुड़ जाएंगे तो करंट पास होगा। अभी परमात्मा को तो कोई वस्त्र नहीं, कोई रबर नहीं, लेकिन हम देह भान में बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं इसीलिए नहीं लगता है हमारा मेडिटेशन। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तब हमारा मेडिटेशन इमीडिएट लगेगा। इसीलिए सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करना है। तो सोल कॉन्शियस होना माने क्या, आत्मा समझना खुद को कि मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा मुख द्वारा बोलती हूँ, मैं आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य करती हूँ, जैसी मैं आत्मा हूं मुझे जो जो मिल रहे हैं वो भी सारे आत्माएं हैं। तो ऐसे सोल कॉन्शियस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिटेशन लगना ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, वो इमीडिएट नहीं होता, उसको करते रहना है। और फिर मेरा मेडिटेशन क्यों नहीं लगता बाबा, मन भटकता है, विचार दूषित होते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा कि परिस्थिति के कारण मन नहीं लगता, घर में ऐसा हो गया, ऑफिस में ऐसा हो गया, बच्चों ने ऐसा किया इसलिए मन नहीं लगता वगैरह वगैरह, लेकिन ये बहाना है, क्योंकि परिस्थिति केवल स्टिमुलेटर हो सकती है, वो क्रिएटर नहीं है, हम खुद हमारे सोच विचार के क्रिएटर हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कि क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन है ना, मस्तक, ये समझो मटका है, समझो हमारे घर में एक मटका है, तो मटके में अगर छाछ भरा तो नल से क्या आएगा, छाछ आएगा, दूध भरा तो दूध आएगा, पानी भरा तो पानी आएगा। तो ऐसे हम ये ब्रेन में, मस्तक के मटके में क्या क्या भरते हैं वैसे हमारे सोच विचार बनते जाते हैं। तो हमारा जो मटका है कहाँ कहाँ से भरते हैं, आंखों से जो देखते हैं वो मटके में भर जाता है, आंखों से जो देखते हैं वो मटके में भर जाता है, कान से जो सुनते हैं वो मटके में भर जाता है, नाक से जो सूंघते हैं वो भी मटके में भर जाता है, मुख से जो बोलते हैं वो भी मटके में भरता है, मुख से जो अन्न का सेवन करते हैं वो भी मटके में भर जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा सोच विचार हमारे बनते हैं। और जो हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, उसमें से भी जो वाइब्रेशन अंदर जाते हैं वो भी मेरे सोच को बनाते हैं। तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आंखों से
कोई भी निगेटिव नहीं देखना। तो टीवी के सीरियल देखेंगे ना मैंने तो बचपन से ही नहीं देखा इसलिए मुझे पता नहीं, मैं सुन सुन कर मुझे पता है कि झगड़े होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन कई कई लोग ना तो इसमें इतना फंस जाते हैं कि उसमें से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीवी के सीरियल्स है, ब्रेकिंग न्यूज है, बार बार निगेटिव न्यूज है, आंखों से जो और क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स देखते हैं वो भी सारे निगेटिव होते हैं। तो आंखों से जो भी देखेंगे पॉजिटिव देखो, कानों से जो भी सुनेंगे पॉजिटिव सुनो, मुख से जो भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलो, और जो भी भोजन करोगे वो सात्विक हो और पॉजिटिव एनर्जी से बनाया हुआ हो, कल हमने इसका महत्व जाना। और जो भी पानी पीते हैं वो भी सात्विक हो, एनर्जाइज कर हीलिंग वाटर हीलिंग फूड ही सेवन करना है, दूसरा कुछ भी नहीं, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं। ये सारे प्रिकॉशन अगर आप लोगे तो ही मेडिटेशन लगेगा, जल्दी लगेगा। यानी क्या जाना, सबसे पहले सोल कॉन्शियस होना, रबर निकाल देना, दूसरा जाना कि ये जो मटका है उसके अंदर कहां कहां से क्या क्या जा रहा है उसका सबका शुद्धिकरण करना, सबको पॉजिटिव बनाना, तो विचार जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तीसरी बात क्या है कि कभी कभी क्या होता है, दिन भर में जो कुछ बातें होती है वो शाम को मेडिटेशन में बैठे कि वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ ना दोपहर में मेरा ना कुछ थोड़ा वादावादी हुई थी वो व्यक्ति मुझे दिखता है। मैं याद तो करने बैठी हूँ परमात्मा को लेकिन परमात्मा नहीं याद आ रहे, वो व्यक्ति बार बार सामने आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करना है, दिन भर जो कुछ भी गलत हुआ है, जिनके हाथ से भी गलत हुआ है, उन सबको माफ कर देना। जब हम माफ करते हैं तो ही हम भूल सकते हैं, अगर माफ नहीं करते तो भूल नहीं सकते, एक बात। और कभी कभी हमसे भी तो गलती होती है ना, तो हम भी हमारी गलती से किसी को दुख पहुंचा है तो हम भी उनसे माफी मांग लेना। ये दो बातें करेंगे ना तो मन लगेगा, टिकेगा और मेडिटेशन लगेगा, ठीक है ना। तो मेडिटेशन क्यों नहीं लगता इसकी भी जानकारी आपको हमने दी हुई है। तो अभी समय आया है छोटा सा मेडिटेशन करने का, छोटा सा यानी 15 मिनट का मेडिटेशन है लेकिन बहुत अच्छा है। ये राजयोग का मेडिटेशन दो बातें करता है क्या, एक तो विकर्म विनाश यानी निगेटिव सारी फाइल्स को क्या करता है, डिलीट करता है। कल हम जानेंगे कि ये निगेटिव फाइल्स कितने जन्मों की है, कल के क्लास में हम जानेंगे। आज मैं इतना ही कहती हूं कि ये जो निगेटिव फाइल्स है वो 63 जन्मों की है। अब कल इसका विश्लेषण हम जानेंगे। तो इतना विकर्म विनाश करना है और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो ये 4-5 दिन में थोड़ी तो भी चार्जिंग होना चाहिए ना। तो चलो अभी हम वीडियो के माध्यम से एक्सपीरियंस लेंगे, 2-3 बातें आपसे शेयर करनी। कल का लास्ट क्लास होगा, यानी कल का बेसिक कोर्स का लास्ट क्लास होगा। परसों से आपको मुरली क्लास और अमृत वेला में ज्वाइन होना है और कम से कम 3 महीना हमारे साथ बने रहना है और आपके सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होकर समाप्त होना चाहिए, ये हम ध्येय रखेंगे। यानी जो प्रॉब्लम समाप्त होने जैसे वो समाप्त हो जाएंगे, जो नहीं होने जैसे है उनको स्वीकार करने की भी क्षमता हमें आनी चाहिए, वो भी इसमें से आ जाएंगे। और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे, और WhatsApp नंबर पर ज्वाइन हो जाएंगे तो सारी कॉमेंट्रीज उसकी सारी लिंक्स आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। नंबर आपको याद है 9850887838। तो आप इसके ऊपर एक मैसेज कीजिए, आपको मेडिटेशन की कॉमेंट्री प्राप्त हो जाएंगी। दिन में 3 बार अपने को मेडिटेशन करना है। तो अभी शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं और इस क्लास की समाप्ति करेंगे। कल वापिस मिलेंगे रात को ठीक 8 बजे, ठीक है ना। चलो मेडिटेशन करेंगे आंखें खुली रखकर देखते हुए, क्योंकि विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सीधा होकर बैठना है,
अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए। एक अत्यंत तेजोमय प्रकाश पुंज झगमग करता दिव्य सितारा, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में मैं रोशनी हूँ, आत्मा हूँ, चेतना हूँ, चैतन्य शक्ति हो, प्राण ऊर्जा हो। आंखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाली, कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य करने वाली, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर से अलग, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विराजमान होकर सारे शरीर को कंट्रोल करने वाले, इस शरीर के मालिक मैं आत्मा हूँ। मन और बुद्धि की यात्रा मैं कर रही हूँ। इस देह भान से परे सृष्टि को क्रॉस करते हुए, चांद तारों को क्रॉस करते हुए, आकाश को क्रॉस करते हुए परम धाम पहुंचे हो, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, मधुर मधुर शांति की दुनिया मेरे सामने है। परमात्मा, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, गुण और शक्तियों का सागर, मैं आत्मा उनके समीप जाकर बैठी हूँ। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। सारी निगेटिव फाइल्स डिलीट हो गई हैं। जन्मों जन्मांतर के सारे विकर्म भस्म होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा शुद्ध पवित्र पावन क्लीन क्लियर बनती जा रही हूँ। परमात्मा ने मुझे ज्ञान से भर दिया है, प्रेम से भर दिया है, पवित्रता से भर दिया है, आनंद से भर दिया है, सुख से भर दिया है, शक्ति से भर दिया है, शांति से भर दिया है। मुझ आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगी है। मैं आत्मा मेरा सारा बोझ बचपन से लेके अभी तक का सारा टेंशन सारे दुख सारे प्रॉब्लम्स परमात्मा को समर्पित करती हूँ, दे देती हूँ। लेटर टू गॉड, परमात्मा को लेटर के माध्यम से सारा बोझ खुला करती हूँ। मैं आत्मा हल्की हो गई हूँ, बोझ उतर गया है। मैं आत्मा परमात्मा से मेरी मन की बातें करती हूँ, बातें करे परमात्मा से जो भी अपने मन में प्रॉब्लम हो सवाल हो परमात्मा को कह दे। परमात्मा भी हमसे बातें कर रहे हैं, हमको सॉल्यूशन दे रहे हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। आपके आशीर्वाद का हाथ हरदम मेरे सर पर है, हर क्षण हर पल परमात्मा मेरे साथ है, भगवान हमारा साथी है। ईश्वर से हम
प्रभु से मिलन की मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की वरदानों की हम पे बरसात की है शांति शांति शांति।
थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलेंगे।